Vardhaman Academy, an English medium co-educational senior secondary school, classes from nursery to 12th, smart classrooms, Wi-Fi computer lab, advanced maths and science labs, well-stocked library, best environment for games, yoga and music. Vardhaman Academy, Railway Road, Meerut. UP TET pariksha aaj us waqt radd kar di gayi jab chhatr kendra mein pariksha de rahe the. छात्रों को बीच परीक्षा से ही केंद्र को भारी मन से छोड़ना पड़ा। परीक्षा रद्द करने का कारण पेपर लीक होना बताया गया है। एसटीएफ फील्ड इकाई प्रयागराज ने पेपर लीक कर मोटी धनराशि उगाहने वाले गिरोह के मुख्य सरगना समेत 16 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। आहत परीक्षार्थियों का कहना है कि सिर्फ इन 16 लोगों के लिए नहीं बल्कि इस धांधली में शामिल सभी दोषी लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। परीक्षा की तैयारी में लगे लोगों को आने जाने की परेशानी के साथ मानसिक व आर्थिक नुकसान भी हुआ है। इस सिस्टम से दुखी कई छात्र अपने आंसू भी नहीं रोक पाए। मैं हूं रवि शर्मा और आप देख रहे हैं fastbite.tv। एसटीएफ पुलिस ने जिन लोगों को गिरफ्तार किया है उसमें मुख्य सरगना प्रतापगढ़ निवासी राजेंद्र पटेल, सनी सिंह गया, टिंकू कुमार गया, नीरज शुक्ला प्रतापगढ़, शीतल कुमार गया, धनंजय कुमार गया, कुनेन राजा गया, शिव दयाल औरंगाबाद सभी थाना क्षेत्र नैनी प्रयागराज, अनुराग सोनभद्र, अभिषेक चित्रकूट, सत्य प्रकाश सिंह प्रयागराज सभी थाना क्षेत्र झूसी प्रयागराज, चतुर्भुज सिंह प्रयागराज, संजय सिंह प्रयागराज, ब्रह्म सिंह शंकर सिंह प्रयागराज, सुनील कुमार सिंह प्रयागराज शामिल हैं। इसके अलावा एसटीएफ मेरठ यूनिट ने शामली के 3 युवकों को गिरफ्तार किया है। इनके नाम मनीष, रवि और धर्मेंद्र हैं। आज परीक्षा केंद्र के बाहर कुछ छात्रों ने इस पर अपनी नाराजगी जाहिर की, वहीं विपक्ष ने इस पर सरकार को घेरा है। अखिलेश यादव व प्रियंका गांधी ने अलग अलग ट्वीट कर सरकार की नाकामी पर सवाल खड़े किए हैं। वहीं एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने कहा है कि जो लोग पकड़े गए हैं उनमें कुछ लोग बिहार से हैं। इस पूरे मामले की जाँच की जा रही है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए fastbite.tv। नमस्कार।